नमस्कार दोस्तों, पीबीआर स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.4 यानी एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट वन वीडियो। ठीक है, इसके पहले पॉइंट 2.3 तक हो चुका है, इसके आगे हम 2.4 देखते हैं और बहुत ही आसानी से हम आपको एक एक क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। वीडियो आपको कैसे लगेगी कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। आपको नीचे चार बहुपद दिए हुए हैं, पहला ये है, बताना है आपको कि किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस वन है। तो अगर हम इसको शेषफल प्रमेय, जिसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं शेषफल प्रमेय का कॉन्सेप्ट, तो हम इसी क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय क्या होता है ये चीज भी जानेंगे। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये किसी इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो यहाँ पर x प्लस वन इक्वल टू जीरो और x बराबर इधर आएगा माइनस वन हो जाएगा। x बराबर माइनस वन यहाँ पर रखने पर इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आ गया तो ये इसका बहुपद है, अगर जीरो गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अब हमें पहला काम क्या करना है, x प्लस वन बराबर जीरो ले लेंगे, x बराबर माइनस एक आ जाएगा। x का मान माइनस एक हम इस बहुपद में रखते चले जाएंगे, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक, माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे वन हो जाएगा, फिर ये माइनस वन ये प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होकर क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो आ गया इसका मतलब कि ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा, शेषफल ये जो आता है ये शेषफल आता। अब यानी कि x प्लस वन इसका गुणनखंड है, हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, गुणनखंड है। अब इसका अगर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा, आसान है। हम तीसरा चौथा देखते हैं, चौथा थोड़ा दूसरा और तीसरा इजी है, होमवर्क है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। हम देखते हैं चौथा। ठीक है, तो चौथे में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। अब ये बताना है आपको कि एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड है कि नहीं है, हम चेक करने के लिए x प्लस वन को जीरो के बराबर रखेंगे, x बराबर माइनस वन आ जाएगा। इस x की वैल्यू माइनस वन को हम इस बहुपद में रख करके चेक कर लेंगे। चलिए, माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन प्लस रूट टू, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, फिर माइनस माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन माइनस इस माइनस से माइनस वन से अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस रूट टू और फिर प्लस रूट टू। अब क्या होगा, माइनस वन माइनस टू हो गया माइनस, अब ब्रेकेट हटेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है प्लस हो गया प्लस टू, माइनस है प्लस हो गया प्लस रूट टू और प्लस रूट टू। माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, रूट टू क्या आ गया, टू रूट टू। यानी कि अगर ये जीरो आ जाता, अब इसका ये शेषफल ही आता है, अगर ये मान रखते हैं तो ये शेषफल, यानी इसमें शेषफल क्या आ रहा है, टू रूट टू, तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। अगर जीरो आता तो इसका एक गुणनखंड होता, तो लिखेंगे नहीं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बहुपद का किस बहुपद का, इसी बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू, देखते हैं आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ग्रह गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको पहले क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं फिर बताते हैं। चलिए देखते हैं, अब इसमें दिया है जी एक्स दिया है एक्स प्लस वन और पी एक्स दिया है टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। हमें ये बताना है जी एक्स इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम सीधा शेषफल प्रमेय के द्वारा इसको ज्ञात करेंगे, इसको भाग दे करके नहीं देखेंगे गुणनखंड है कि नहीं है, कट रहा है कि नहीं। हम इससे शेषफल प्रमेय लगाएंगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब एक्स का मान माइनस वन इस बहुपद में रखेंगे, अगर एक्स बराबर माइनस वन रखने पर इसका मान जीरो आ जाएगा तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, तो जब इसका मान रखेंगे तो टू इंटू एक्स की जगह पे माइनस वन, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन, टू इंटू माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, माइनस दो एकम दो, माइनस माइनस का गुणा प्लस दो और माइनस वन, दो एकम माइनस दो प्लस ये देखिए दो एक तीन प्लस तीन और माइनस एक, ठीक है। तो अब प्लस तीन माइनस दो माइनस एक, अब माइनस दो और माइनस एक क्या हो जाएगा माइनस तीन प्लस तीन, माइनस तीन प्लस तीन कैंसिल क्या आ गया जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब ये क्या है कि जी एक्स हम आंसर में क्या लिखेंगे कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जीरो नहीं आता तो क्या होता गुणनखंड नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा पार्ट इसका होमवर्क देते हैं, बहुत ही इजी है, हम देखेंगे तीसरा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसका पार्ट थ्री। तो इसमें पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स दिया, जी एक्स का मान एक्स माइनस थ्री है। हम वही काम करेंगे शेषफल प्रमेय के द्वारा, एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो रखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स बराबर थ्री, ठीक है। अब एक्स का मान हमें इस बहुपद में क्या रखेंगे थ्री रखेंगे, तो एक्स की जवाब क्या है थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री और प्लस सिक्स, ठीक है। तीन त्रिका नौ त्रिक सत्ताईस माइनस तीन त्रिका नौ चार गुणे नौ धन छ तीन नौ, ट्वेंटी सेवन माइनस नौ चौक छत्तीस धन नौ, ठीक है। अब सत्ताईस में नौ जुड़ेगा कितना हो जाएगा सत्ताईस तीन तीस छ छत्तीस, थर्टी सिक्स माइनस थर्टी सिक्स क्या आ गया जीरो आ गया, यानी कि ये भी क्या है जी एक्स एक्स माइनस थ्री इसका एक गुणनखंड है, क्यों क्योंकि जीरो आ गया। तो हम लिख देंगे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है, इसका पार्ट टू होमवर्क है, आप घर से करिए, नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जब एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो ये एक बहुपद है, पी एक्स क्या है पी एक्स है, एक्स माइनस वन इसका गुणनखंड है कि नहीं है चेक करना है, नहीं चेक नहीं करना है। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जब इतना एक गुणनखंड है, कह रहा है ये गुणनखंड है उस स्थिति में इसका मान ज्ञात कीजिए। तो जब ये गुणनखंड होगा तो x माइनस वन बराबर जीरो और x बराबर एक, जब ये गुणनखंड होगा तो x बराबर एक रखने पर इसका मान क्या आएगा जीरो आएगा, क्यों क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। हम इसके पहले चेक भी किए हैं, क्या किए हैं कि जब इसका मान जीरो करके एक्स का मान रखते हैं तो इसका मान जीरो आ जाता है तो वो गुणनखंड होता है, ठीक है। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर जीरो होगा कब,
जब एक्स बराबर एक होगा, तो एक्स बराबर एक यहाँ पर रख दीजिए, एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर जीरो। अब यहाँ से हमारे पास के का मान आ जाएगा क्या, वन प्लस के बराबर जीरो, के बराबर क्या आ जाएगा माइनस दो। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया के बराबर माइनस दो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कि के का मान ज्ञात कीजिए, आपको एक चीज दिया रहेगा कि ये इसका गुणनखंड है, इसको तुरंत जीरो के इक्वल करेंगे, यहाँ से एक्स का मान इस बहुपद में रख देंगे और के का मान आ जाएगा। ठीक है, इसके तीन पार्ट हैं, हम तीनों पार्ट आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इस क्लास को डेमो के तौर पर देख रहे हैं तो पीबीआर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, ये है पार्ट टू। अब हमें पहले से पता है एक्स माइनस वन इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, जब एक्स माइनस वन गुणनखंड होगा तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो और एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन हमें इस पद में रखना है, बहुपद में पी एक्स में, तो रख देंगे टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। जैसे ही वन का मान रखेंगे ये जीरो के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है, एक्स का मान रखने पर इसका मान जीरो आता है। तो दो वन का स्क्वायर वन ही होगा प्लस के प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, के बराबर क्या जाएगा इधर आके दो माइनस रूट टू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर माइनस टू प्लस रूट टू, यानी के का मान क्या आ गया माइनस टू प्लस रूट टू आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके चार पार्ट हैं, हम चारों पार्ट आपको बताएंगे। ये तीसरा पार्ट देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं पार्ट थ्री, चलिए देखते हैं, देखिए ये है पार्ट थ्री। यहाँ भी वही काम करेंगे, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्यों, ये इसका एक गुणनखंड है, के का मान निकालना है, एक्स बराबर क्या जाएगा वन, एक्स बराबर वन का मान बहुपद में रखने पर फिर क्या आ जाएगा के इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों जाएगा हम आपको बार बार बता रहे हैं, चलिए के माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, के बराबर क्या हो जाएगा सब इधर पंक्षांतर हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस रूट टू प्लस रूट टू हो जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा रूट टू माइनस वन, यहाँ पर आपका के का मान क्या आ गया रूट टू माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर थ्री। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन पार्ट फोर। हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग भी घर पे इसको फिर से प्रैक्टिस भी करिए, जिससे आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के। ठीक है, ये है दिया। अब वही काम करना है, एक्स माइनस वन आपका क्या है एक इसका गुणनखंड है, तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो रखेंगे, एक्स बराबर वन आ जाएगा, एक्स बराबर वन का मान इस बहुपद में रखेंगे जिसका मान शून्य हो जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के बराबर जीरो होगा, कब, जब एक्स बराबर वन रखेंगे, के इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा के माइनस थ्री कम माइनस थ्री प्लस के बराबर जीरो, के और के टू के इक्वल टू माइनस थ्री, इधर आके प्लस थ्री हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मान क्या आ गया के इक्वल टू थ्री अपान टू। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर तीसरे का चारों पार्ट, यहाँ पर आपका पार्ट वन समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर से पार्ट टू में, एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट टू में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।